सभी को नमस्कार दोस्तों, एन रमेश ब्लॉग का चैनल में आप लोग सबका स्वागत है। मेरा पीछे में जो है ये आप लोग सभी को पता होगा कि ये ईद है। आज ईद का फैक्ट्री में आया है। ईद कैसे बनाता है ये दिखाएगा मैं। मेरा पीछे में मजदूर लोग काम कर रहा है, तो ये कैसे बनता है ये दिखाने वाला आज ईद। बहुत पहले ये मिट्टी, ये देखो मिट्टी को पानी से मिक्स करना पड़ता है। ये देखो पूरा भिगाना पड़ता है। ये भैया एक भैया ये पानी डाल रहा है पूरा मिट्टी को नरम करने के लिए। पूरा ये आटा की तरह ये देखो पूरा नरम करा देगा। आटा जो बुनता है ना इसे मिक्स करेगा। पूरा मिक्स करने के बाद ही ये इत्ता बनाता है। उस तरफ पे देखो पूरा मिक्स कर चुका है। मिक्स करने के बाद में ये ऐसा मिक्स करता है। ये देखो पानी फेंक के मिक्स करता है पेड़ से। ये बहुत मेहनत का काम है लेकिन ये कंपनी का है। ये एसके कंपनी का है। एसके कंपनी का इतना सुंदर तरीका से रखा है। इस तरफ पे भी मिट्टी रखा हुआ है मिक्स करने के लिए। ओनली ये मिट्टी से नहीं बनता है लेकिन रेत भी मिक्स करना पड़ता है। कौन सा रेत यूज करते हैं, कौन सा बालू यूज करता है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये वाला रेत देखो ज्यादा भी मोटा नहीं, छोटा छोटा है। ये वाला रेत यूज करता है ये वाला बालू। इस तरह पे पूरा बन रहा है। ये देखो ये मिक्स करने के बाद में कितना दिन रहता है ये मैं पूछ लेता हूँ। मिक्स करा पिसत किमान दिन थोई तो एक दिन ना। और मिक्स करने का बाद एक दिन रखता है। एक दिन रखने का बाद ही ये तैयार करता है। ये देखो तैयार कर रहे हैं अभी। इतना बढ़िया तरीका से बना रहे और इतना स्पीड है। बालू भी मिक्स कर क्योंकि चिपक ना जाए, इसके वजह से ये बालू यूज करता है। ये काम कर रहे हैं। ओ भले से क्लासमेट है ये भी। यहाँ पे काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है। ये सूखने का बाद देखो इस तरफ पे सुखा रहा है, तो ये सूखने का बाद में लेके जा रहा है। ये साइकिल में इतना सुंदर तरीका से लेके जा रहा है। देखो दिनों कितना पाइप होगा है? ओ दिन में 4-3 हजार मिल जाता है, ठीक ही है। ये देखो कितना बढ़िया तरीका से लेके जाता है। आइडिया है बोल। और उस तरफ पे भी देखो ये जो लेके जा रहा है ये चलाने के लिए, जहाँ पे जलाता है वो वहाँ पे भी दिखाएगा। मैं दिखाने के लिए कोशिश करेगा। ये देखो पूरा सुखा रहा है। जो मिक्सिंग हुआ है वो बोला पूरा रेडी है, रेडी करके वो बना रहा है। ये देखो चाचा किमान कमाए दिनों? 40 दिन बहुत बनाई से, किमान बनाई से? 800। पीस हिसाब ना की हिसाब में? 1000। 1 टका 1 पीस? एक पीस में 60 पैसा है बोल रहे एक पीस में। तो दिनों किमान बनाए दिए? दिन में एक आदमी 500 जैसा बना देता है। ठीक है से। देखो ये भैया बोल रहे अभी गर्म का सीजन आ रहा है इसलिए काम थोड़ा अभी तो
काम पूरा कमती होगा, अभी काम पूरा कमती होगा, काम अच्छा नहीं होगा ना, गर्म पड़ गया, अभी गर्म का सीजन और पानी का सीजन भी आ चुका है। धूप ज्यादा देने से काम करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, ज्यादा धूप देने से ना। बहुत सारे लोग ईद बनाने के लिए नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिएगा मेरा वीडियो को। जो लोग मेरा चैनल में नया है वो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहेगा। दिनों किमान बनाए दिए 2000 एक जनते और दो तीन जन ना 1600 टका बोले 1000 पीस 600 टका ना 1000 पीस में 600 रुपया। तो 1000 बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है दिन में। अब लोग देखे पेट के लिए तो पालना पड़ता है सबको। हाँ और सुबह से उठ जाने से सुबह से लेकर रात 9-10 बजे तक बनाने से 5 आदमी है बोल रहे हैं, 5 आदमी से 5000 से जैसे बना देता है और 2000 से बना देता है। कमाई अच्छी है लेकिन गरम गरम ज़्यादा गर्मी है इसलिए ज़्यादा बनाने के लिए नहीं सकता है, बहुत गर्मी है इसलिए अभी गर्मी का सीजन है ना इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है। रात को बनाता है बोल रहा है, लाइट तो आसे ना, लाइट का भी ये देखो लाइट भी है रात को बनाने के लिए। यहाँ का इंचार्ज है, ये वीडियो बनाने के लिए परमिशन दिया इसलिए बहुत खुशी है मुझे भी। हम लोग का यहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो अलग नहीं सोचता है, हम लोग एक ही साथ मिलजुल के रहता है प्यार से। सब और सबसे बड़े बात तो मेरा ये मुस्लिम दोस्त लोग के साथ मिलकर बहुत खुशी मिला है। यहाँ में ये देखो जो काम कर रहा है ये मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है। मैं स्कूल का टाइम से मेरा दोस्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा दोस्त मुस्लिम था, मुस्लिम दोस्त लोग के साथ बहुत मिलजुल के रहता था। और सच्ची में कसम से यार इतना खुशी होता है कि ये मेरा मुस्लिम दोस्त लोग मुझे अस्सलाम वालेकुम मुझे देखने से अस्सलाम वालेकुम बोलता है और मैं भी वालेकुम सलाम बोलता है तो वो लोग पूरा मुझे हंसता था, पूरा खुशी खुशी से बहुत रेस्पेक्ट दिया करता था बहुत खुशी थे। और अभी भी मुझे देखने से अस्सलाम वालेकुम वो लोग बोलता है और मैं भी जवाब देते हैं वालेकुम सलाम, ये क्या है मुझे भी पता नहीं अभी तक। मेरा मुस्लिम दोस्तों आप लोग देखने से कमेंट में बता दीजिएगा कि अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है, प्लीज कमेंट में सिखा दो यार, बता दीजिएगा यार। तरफ भी ये देखो जलाने के लिए यहाँ पे जमा कर रहा है, पूरा तैयारी कर रहे है, वो जो साइकिल में लेके आता है यहाँ पे जमा करता है, पूरा घर जैसा बना देता है तभी जलाता है, में बनाने का बाद में लेके जा रहा है। जो लोग खरीदना चाहते हैं यहाँ से खरीद सकता है। तो यहाँ का इंचार्ज से मैं मिला है, उसका परमिशन लिया है, फर्स्ट टाइम इंचार्ज नहीं देखा तो मैंने परमिशन नहीं लिया था, तो अभी परमिशन लिया है तो बनाने के लिए बोल रहा है। इस तरफ से देखो जलाने के लिए लेके जा रहा है लोग, इस तरह भी भैया लोग ये मिला है यहाँ पे कि अपना लोग यहाँ पे सुहासिता करा इंचार्ज है, ये सब भैया लोग यहाँ पे देखभाल करता है, देखता है काम करने के लिए। ये देखो की मेन
मोहरी इंचार्ज है ये भाई, अभी यहाँ का इंचार्ज है ये इटा बता का। ये जो कच्चा इटा कहाँ पे लेके जाता है, मैं जा रहा कहाँ पे लेके जाता है, मैं उसका पीछे पीछे जा रहा है। आप लोग के को भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि छूट ना जाए, ए टू जेड दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पे मिक्सिंग जो हो रहा है और सुखाने का बाद में ये कहाँ लेके जाता है और कहाँ पे लेने का लेके जाने का बाद जलाता है। पे देखो ये कोयला से जलाता है, लकड़ी से तो नहीं होता है, कोयला से जलाना पड़ता है। जलाने का बाद में ये देखो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ये देखो जलाने का बाद निकल रहा है। इकबाल किन का इतु जला जला पिसन ना लौर मतुंग ना मतरा से जला उस तरफ जला असम लंबे ले मित्र यम दिखाएगी काली नगर गया था। काली नगर से देखो इस तरह पे तैयारी कर रहे हैं जलाने के लिए पूरा। ये देखो कैसे रखा जाता है, इस तरह पे देखो पूरा रेडी कर रहे हैं, पहले ऐसा रखा जाता है तभी जलाता है। ये तो जला बोले करने के बाद हो ऐसे ना ये जलाने का बाद ऐसा ये देखो ऐसा लाल लाल होगा कलर भी, तरफ पे जला चुका है, इस तरफ पे तैयारी कर रहा है। ये तो टोलोटे की कोयला था वो मैंने ना टोलोटे और बीस बीस में कोयला रखेगा। ये देखो धुआं निकल रहा है उस तरफ पे, जला रहा है उस तरफ। ये जो धुआं निकल रहा है ये चीज को चिमनी बोलता है। ठीक है करीब अपना लोग काम पूरा देखो पूरा जला रहा है। देखो ये नीचे की तरफ पूरा इतना हीट है, देखो मेरा मैं सामने तक नहीं जा सकता है, इतना हीट है ये अंदर में पूरा जला रहा है। ये देखो कोयला और उस तरफ पे आदमी रखता है देखो यहाँ में देखने के लिए। वाह इतना हीट है नीचे में, ये सेंडल तक गर्म हो जाता। ये तो किमान घंटा तक तो क्या जलाए, सौ घंटा छः घंटे तक ये जलाता है। बेलेगे जलाब ना और बेलेगे और माने किमान घंटा पीछते ये बन क्या माने हम माने कभी कभी तीन घंटा भी हो जाते, कभी कभी दो और एक घंटा ऐसा हो जाता है ना लगभग। हाँ तब भी ये ईद तैयारी होता है ना। तो भैया दिखाएगा बोल रहा है, ये देखो जो गरम कर रहा है वो चीज दिखा रहा है। ये देखो इसका अंदर में माय गॉड इतना ये देखो लाल लाल है, ओ माय गॉड इतना लाल लाल है देखो पूरा आग से भरा हुआ है अंदर में, पूरा अंदर में पूरा ईद भरा हुआ है ना। देखो तब ऊपर में ये ढक्कन बंद कर देता है मतलब। थैंक यू दे भाई दिखाने के लिए। मेरा चैनल में जो लोग नया है लाइक तो बनता है यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत किए मैंने, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, इंचार्ज लोग के साथ परमिशन लेना पड़ता है, वीडियो बनाने में इतना तकलीफ है एक वीडियो बनाने के लिए, वो रिस्क भी होता है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा
जो लोग मेरा वीडियो को मेरा चैनल को नया देख रहा है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरफ देखो पानी, पानी यहाँ से यूज करते हैं सब जगह।